बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब हैं भाई? उम्मीद करते हैं ताकि अपना दिल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट आ रही हैं, और कौन से गेस्ट आ रही हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा भाई प्याज की वीडियो में, अमित जी की वीडियो में, सबके वीडियो में आपको पता चल गया होगा। और टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो चलिए जी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे गेस्ट कौन है। इरम आ रही है, और यूँ ही समझ लें कि मेरी सिस्टर आ रही है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वो महविश की तरह है, तो हमारी शक्लें भी मिलती हैं, तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। पिछली दफ़ा जब वो आई थी तो तब भी हमें बहुत मज़ा आया था। और अब ये चारकुल का प्रोग्राम बना है, मैंने मुझे तो नहीं पता चला, मुझे थोड़ी देर पहले पता चला, मैंने उनका व्लॉग देखा है। तो भाई फयाज को मैसेज आया था, तो कह रहे थे भाई फयाज के इरम कह रही थी कि मैंने सरप्राइज देना है, लेकिन सरप्राइज क्या था, क्या यही सरप्राइज था ये नहीं बताया था कि एक दो दिन पहले बता देते, हम लोग घर की साफ सफाई कर लेते हैं ये वो सारा कुछ, लेकिन उन्होंने अचानक बताया। तो वो आज आ रही हैं, आज आ रही हैं, जी हाँ आज आ रही हैं वो। तो अम्मी जी के रूम की साफ सफाई करके आई हूँ, वो आप देख लीजिएगा इनके व्लॉग में। और भाई फयाज के रूम की सेटिंग करके आई हूँ, वहाँ की साफ सफाई करके आई हूँ, अभी सहन की करनी है। तो फिलहाल अपने दोनों रूम की सेटिंग कर लूँ, ये बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और साथ में चीज़ें सेट कर लेती हूँ। ऐसे दुकान लगी हुई है दवाइयों की, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। ये जूते सारे मैंने धो के एक दफा तो छुपा देते, ये सारे जूते जो है वो धो के तो रखने हैं मैंने, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है, बंद जूते हैं इस वजह से। ये तो बस मामूली सी कॉटन की बेडशीट है, तो लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए अच्छी होनी चाहिए ना, इसलिए फिर मैं अच्छी घर नहीं डालती, क्योंकि फिर ये होता है कि जब मेहमान कोई आ जाए ना तो फिर बंदा साफ सुथरा काम कर सकता है। इतना वजनी है ना ये कंबल, ये देखें, ये यहाँ से कुछ साफ सफाई थोड़ी बहुत करनी है। ठीक है, आ रही है बहुत ज्यादा, शायद जुकाम आना है या क्या वजह है। अगर वो एक दो दिन पहले बता देते ना तो चले हम लोग एक दिन पहले साफ सफाई कर लेते, सारा काम निपट जाता, खत्म हो जाता है, लेकिन अचानक ही बताया, इस वजह से फिर काम ज्यादा है, टाइम कम है। इसको तय लगा के रख देती हूँ, और दूसरे वाले जो है ना वो डाल देती हूँ। जिसको तैयार लगा के तो रखी थी, तो जो उससे रखी थी वो निकाल लेती हूँ। देख लेती हूँ ना, बस ऐसे ही सीधी मैंने ये उतार के रख दी थी, अब जब दोबारा उतारूंगी ना तो इसको नेक्स्ट टाइम जो है ना वो धो के रखूंगी।
इस साइड से भी अंदर दे रही थी जी। ये मैं स्टॉलर इसलिए ले लेती हूँ, इसका दुपट्टा वो पड़ा हुआ है क्योंकि वह रेशमी दुपट्टा है ना, तो सर से उतर जाता है। इस वजह से ये जो हल्के दुपट्टे हैं ना, घर पर काम काज के लिए ना, ये दुपट्टे बेस्ट हैं। इसलिए फिर मैं हाफ सूट के साथ यही ले लेती हूँ, इस तरह के ले लेती हूँ हल्के हल्के। ये ले जी, ये होगी मेरी शुक्र है कि मैंने इसके कवर उतार नहीं दिए थे। इसको रख देती हूँ अंदर। ये देखिए मैं एक और आपको बताती हूँ, ये वाली ये चीजें है ना, मतलब ये पेटियां अगर मैंने एमरजेंसी में अगर कोई चीज निकाली हो ना, तो ये सारी चीजें उतारनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो बड़े वाला पेटर है इसका, ये बड़ी सहूलियत है इसकी। जब भी अचानक अगर मेहमान आ जाए तो ये चीजें जो है ना, बस यहाँ से यू निकालो यू रख लो बस। तो एक बार मैं सारी सेटिंग वगैरह कर रही थी तो फिर अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। लो जी, ओ उधर भी छोटा चूल्हा चुकने वाला, तो उधर पानी ना चल जाए, एक मिनट पढ़ दिता मैं चूल्हा चुक दिता वा, पानी चला जाएगा पीछे पीछे ओ चूल्हे को भी पर। हाँ जी, इतना भी करो तो भी पहले बरामदा धोवो ना, बरामदा धोलवो फिर चार पाइया अंदर बरामदे च कर दिए, तो फिर बेड़ा सोखा जड़ा है ना साफ होना वा। पैर फाड़ के जिदा करना कर लो, तुम पैर पकड़ लो ना बस। आप मनु पैर एक बार फड़ाओ। अरे भाई प्यार कह रहे कि भाभी मुझे पकड़े, मैं करता हूँ। हाँ जी मैं भी आख्या पता नहीं क्यों सुबह सुबह भाई जवेदर कॉल छोटा चल बस इतने रहने दो, बस कर लो भाई प्याज उधर ना करो जे नहीं अपने कमरे च नहीं, वो परली साइड ते पानी उधर सारा सरों चला जाना।
अपना कमरा धोने वास्ते मेरे को पैप फड़िया सी ना, है ना? अपना कमरा धोने वास्ते मेरे को पैप फड़िया सी ना, मैं पता लग गया। मम्मी अपना मेरे च फर्नीचर ज्यादा पिया, मैं इसके पानी नहीं उतो निकलना ता नहीं धोंदी, नहीं तो मैं कट कद भी नहीं करना। बस बस परली साइड तक ना करो, बस इतो अगो अगो जी सारा फर्श धो लिए मैंने अपना रूम जो है ना, ये भी आगे आगे से धो लिया था, सारी टेस्टिंग वगैरह कर लिए। देख लें जी बस अभी लस्सी दे के आती हूँ बास को और अपू जी को, बाहर बुक चारा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा तो।